Hello dear students, today we are going to discuss the median in continuous series, or you can say median in frequency distribution series. आज हम जो बात करेंगे हम बोलेंगे कि कैसे हम median continuous series में calculate कर सकते हैं या इसमें हम compute कर सकते हैं. तो इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं उसमें हमने ये पढ़ाया और आपको समझा कि कैसे हम मीडियन निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में और इंडिविजुअल सीरीज में. तो लेट्स टुडे टॉक अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज और सिंपली यू कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो सीरीज पढ़े डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज, हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करे थे एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आइटम, तो अकॉर्डिंगली हमें वो वैल्यू निकल के आता था एज अ मीडियन. नाउ दैट वेरी फॉर्मूला कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज इन द कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में उस टाइप की फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, मीडियन को निकाल सकते हैं, क्योंकि वी हैव पुट द वैल्यूज इन द ग्रुप्स. हमने यहां पर वैल्यूज को किस में रखा है, ग्रुप्स में रखा है, जैसे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 या अकॉर्डिंगली बहुत सारे और भी ग्रुप्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें पहले क्या करना होता है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास. हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमारा मीडियन हो सकता है या होता है. तो अकॉर्डिंगली हम पहले क्या करते हैं, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द मीडियन क्लास, देन आफ्टर वी हैव टू यूटिलाइज द फॉर्मूला. दैट फॉर्मूला इज रिटन हेयर, वो हम आगे आपको बोलेंगे जब हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर एक एग्जाम्पल ली है, तो उस एग्जाम्पल के जरिए से हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम कंप्यूट करते हैं या मीडियन कैसे हम निकाल लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में. लेट्स हैव अ लुक हेयर. डियर, मार्क्स यहां पर हमने दिए हैं 0 टू 10, 10 टू 20 या 20 टू 30 या 30 टू 40, 40 टू 50, एंड दीज मार्क्स हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी देके हैं, जैसे कि क्वेश्चन में होता है, और एक वैल्यू देके होता है वेरिएबल्स के, और उसके क्या होती है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे होती है, जैसे 8, 30, 40, 12 एंड 10. एंड व्हेन वी आर एडिंग ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज, तो हमारा जो एन जो निकलता है या समेशन फ्रीक्वेंसी जो निकलता है, एन इज इक्वल टू 100. ये 100 आपको एक और तरीके से निकल सकता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला फर्स्ट वी हैव टू कम, हमें क्या करना होता है, वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है. जैसे हमने यहां पर वैल्यूज को किस में रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में रखा है. तो अकॉर्डिंगली बाद में हम क्या करते हैं, वी सिंपली कन्वर्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, सीएफ में इसको कन्वर्ट करते हैं. जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको समझाया कि कैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो हम इनको ऐड करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली जो फ्रीक्वेंसी होती है तो हम इनको ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 8, और यहां पर 8 ही आएगा, और अकॉर्डिंगली, तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ही ले सकते हो, अगर कोई आपको क्लास में पूछेगा कि वहां पर 0 से लेकर 10 जो है कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स आए हैं, तो वहां से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स उठेंगे. अगर अकॉर्डिंगली दूसरे अनाउंसमेंट की जाएगी क्लास में कि हाउ मेनी देयर स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मार्क्स दिस 10 टू 20, तो अकॉर्डिंगली, या 0 टू 20, तो अकॉर्डिंगली 0 से लेकर 20 इसमें सारों का सम हम लेते हैं, या अकॉर्डिंगली 0 टू 40, अकॉर्डिंगली 50 तक इनका पूरा सम हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली देखिए देर यहां पर क्या होगा, 8, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी अपनी है, तो 8 प्लस 30 दैट्स 38, एंड 38 प्लस 40 दैट इज 78, 78 प्लस 12 दैट्स 90, एंड 90 प्लस 10 दैट इज 100. तो यहां पर भी ये 100 है और यहां पर भी 100 है, बिकॉज वी नो दिस समेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमेशा किसके बराबर होती है, इट इज द समेशन, इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इस तरीके से हमने बोला कि यहां पर हमें जो 100 निकला एन,
Now, remember, yahan par ek cheez yaad rakhni, remember this very important thing regarding the median in the continuous series or frequency distribution series. Is series mein ek cheez ka khayal yaad rakhna hai, ki hume yahan par m jab nikal lete the, hum kya likhte the? Hum likhte the n plus 1 divided by 2th term or 2th item. Lekin yahan par yaad rakhna hai, hume kya likhna hai? M is equal to n divided by 2th term. Hume plus 1 nahi yahan par likhna hai. To accordingly, hume kya... पहले क्या निकालना है, मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है इस लेक्चर में कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास, किस क्लास में, किस ग्रुप में हमारा मीडियन होता है. तो याद रखिएगा डियर, n डिवाइड बाय 2th आइटम, एज वी नो द आवर n इज 100, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100 डिवाइड बाय 2, तो 100 डिवाइड बाय 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द 50th. तो 50th आइटम जो होगा, तो हमें जो है यहां पर देखना है कि वेयर दिस 50th आइटम इज लोकेटेड, कहां पर ये लोकेटेड होगा. 50th आइटम हमें किस में ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट द 50th आइटम इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्या 8 में हो सकता है? नहीं. 38 में हो सकता है? नहीं. ये हो सकता है किस में? 78 में, क्योंकि 78 में ही आपको कौन सी टर्म मिलेगी? 50th टर्म मिलेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना, तो ये आपको ये जो टेबल या ये जो बॉक्स जो होते हैं विद रिगार्डिंग टू द 50th टर्म, वो है 78, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी है. तो यहां पर याद रखिएगा, हमें इससे एक और चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वी कैन आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास. तो हमें यहां से क्या मिला? मीडियन क्लास मिला. कैसे? 50th टर्म इज लाइंग इन द 78th फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहां पर लिख भी सकते हैं हम, यहां पर डियर जैसे हम लिखेंगे 50th टर्म या आइटम इज लोकेटेड आर लाइज इन द किस में? 78th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो 78th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में याद रखिएगा डियर, हमें मिलेगी. एंड विच हैव कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, इसमें जो क्लास जो हमें मिलेगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है, यानी कि इसी के बिल्कुल साइड में कौन सा क्लास है, दैट विल बी इक्वल टू द 20 to 30. तो अगर आप ये देखोगे 78 हमें इसी में फॉल, हमने बोला कि ये 50th टर्म फॉल होती है, तो अकॉर्डिंगली हमें इसे क्या मिलेगा, वी कैन फाइंड आउट और वी कैन आइडेंटिफाई द दिस क्लास, हमें एक क्लास मिलेगा मीडियन क्लास. नाउ वी हैव टू यूज और अप्लाई द फार्मूला, हमें एक फार्मूला यूज करनी है. एक चीज हमें आइडेंटिफाई होगी, क्लास इंटरवल हमें जो है क्लास, ये जो क्लास हमें आइडेंटिफाई हो गया, मीडियन क्लास जिसको हम बोलते हैं, तो इससे हमें क्या करना है, हमें अब फार्मूला यूज करनी है, तो जिसके जरिए से हम बाकी और चीजों को निकाल सकते हैं या मीडियन को निकाल सकते हैं. तो कौन सी फार्मूला है? L1 प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस CF of P याद रखना है, इट्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, वो हम यहां पर अभी आपको समझाएंगे क्या होता है, डिवाइड बाई F इंटू I. तो अब याद रखिएगा डियर, व्हाट्स L1? L1 आपको याद रखना है, L1 जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, वी हैव आइडेंटिफाइड द 20 to 30 एज ए मीडियन क्लास. 20 to 30 हमारा कौन सा क्लास है? मीडियन क्लास. पहले याद रखना है आइडेंटिफाई किसको करना है, मीडियन क्लास को. इसके बाद हमें इससे क्या निकला, L1. L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, दैट्स 20. तो L1 हमारा 20 निकला. और इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, तो जैसे मैंने बोला n डिवाइड बाई टू हमें जो ऑलरेडी हमने इसको निकाला है, दैट इज 50, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 2 वो हमने ऑलरेडी देखा कि वो कितना आएगा, वो आएगा 50, क्योंकि याद रखिएगा 100 डिवाइड बाई 2 जो है वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा. तो अकॉर्डिंगली हमें एक और चीज निकालनी है, CF. याद रखना CF ऑफ P, व्हाट डज दैट मीन, CF ऑफ P का मतलब होता है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी निकली थी 78, इससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो ये है, दैट इज 38. CF ऑफ P का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्रीवियस क्लास. जो प्रीवियस क्लास हमारा था, हमारा नो डाउट कौन सा क्लास निकला, मीडियन क्लास, 20 टू 30, इससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है,
वो ये है, दैट इज 38. सी एफ ऑफ पी जो है दैट इज 38. वैल्यूज हमने यहां पर निकाले हैं, तो अकॉर्डिंगली एफ क्या होता है, एफ इस क्लास की अपनी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज 40. 40 हमारा जो क्या निकला, दैट इज इक्वल टू द एफ. एफ हमारी कौन सी क्या निकला, जो है वो 40 है, जो कि हमने एक्चुअली सारा जो याद रखेगा डियर, जब आपको मीडियन क्लास ये जो है आइडेंटिफाई होगा, आपको सारी चीजें जो ये जो चीजें आपको फार्मूला में जरूरत लगती है तो याद रखिएगा, वो आपको इसी मीडियन क्लास के आइडेंटिफाई करने के बाद ही सारी चीजें जो पता चल सकती हैं. तो जब आपको एफ भी पता चला, आप लास्ट में कौन सा आता है, आई. आई का मतलब होता है डियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द दिस अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल या मीडियन क्लास इंटरवल, दैट इज 20 से लेकर 30. तो याद रखिएगा डियर, इसमें जो है दैट इज 10 हमारा आई जो निकला. और मैंने यहां पर फार्मूला लिख के रख दी है, L1 प्लस एन डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ ऑफ पी. सी एफ ऑफ पी का मतलब क्या है, इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास. पहला क्लास ये था, अब इसके ऊपर वाला प्रीवियस क्लास कौन सा था, 38. तो डियर, तो एफ हमने बोला कि एफ इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, आई का मतलब होता है कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है क्लास का. तो याद रखिएगा, 20 जो हमने दे दिया, 20 L1 है, 50 माइनस 38 डिवाइड बाई 40 इंटू 10. 20 आप ऐसे रखिए पहले, तो 12 50 माइनस 38 दैट इज 12 डिवाइड बाई 40 इंटू 10, दैट्स 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 40 दैट इज कॉल्ड 0.3 इंटू 10 दैट इज कॉल्ड 3. तो हमें याद रखिएगा बच्चों, 20 प्लस 3 जो होता है दैट इज 23. तो 23 हमारा जो क्या निकलता है, मीडियन. आप चेक भी कर सकते हो डियर, ये जो 23 जो है, इट हैज बीन कम आउट इन बिटवीन 20 टू 30, क्योंकि हमारा मीडियन क्लास मैंने आपको ऑलरेडी बोला, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द मीडियन क्लास, देन आफ्टर वी कैन आइडेंटिफाई द मीडियन, क्योंकि मीडियन उन्हीं के दरमियान होगा, उन्हीं के बीच में से होगा. तो सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में. मैं एक दो मिनट में आपको सिर्फ रिकैप्चुलेट कराऊंगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा, कि हमने याद रखिएगा डियर, मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज में ये देखा कि इसमें हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते कि जिससे हमें मीडियन ये जो निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ इसमें अलग सी फार्मूलाज हम यूज करते हैं. तो पहले तो वही चीज जो है हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, उसके बाद अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है, उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में. अकॉर्डिंगली हम एक फार्मूला यूज करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द दिस मीडियन क्लास. वो कौन सी फार्मूला है, एंड डिवाइड बाई टूथ टर्म और टूथ आइटम दैट्स 50 हेयर. तो 50 हमें ढूंढना है किसमें, एज जैसे इसे प्रीवियसली लेक्चर्स में हमने बोला, प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको ढूंढना है. 50th आइटम जो है दैट्स लाइंग इन द 78th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 50 हमें किस में मिलेगा, 78th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. और यहां पर आपको देखना है कौन सा क्लास आपको मिल जाएगा, दैट्स 20 टू 30. तो 20 टू 30 हमें आइडेंटिफाई हो गए एज अ मीडियन क्लास. Once you identified the median class, you can find out its frequency, you can find out its cumulative frequency, previous cumulative frequency जो इसके इससे पहले वाले क्लास की होगी, तो वो है 38 यहां पर. तो और आप इसमें मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कि कितना ये जो है ये इसमें क्लास इंटरवल्स में कितना फर्क है आप इसमें, तो अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में. तो याद रखिएगा डियर, हमने बाद में एक फार्मूला यूज की, तो जिस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, L1 प्लस N डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ ऑफ पी, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास. याद रखना, पहले क्लास कौन सा निकला था, 78, इससे पहले वाले क्लास की क्या लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 20 दैट्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एंड 50 दैट्स N डिवाइड बाई 2 माइनस 38 दैट इज द
That is the cumulative frequency of previous class divided by 40. That means it is 40 is f. F means it is the frequency of the corresponding class. According to 10 is I, जो इनकी जो इसका magnitude है class का, class length कितनी है, तो according to 20 plus 12 divided by 40 into 10, according आप calculate करते जाओगे, आपको क्या निकलेगा, एक value निकलेगा, और वो value उसी class जो यानी कि जो मीडियन क्लास जो होगा उसी के बीच में से होगा. तो याद रखिएगा डियर, इट वाज ऑल अबाउट द मीडियन इन द कंटिन्यूअस सीरीज. हम इसके बाद इसके और भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे. तो अकॉर्डिंगली डियर, होप आपने यहां से जो ये अच्छे से समझ लिया होगा. चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे अभी किसकी, मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज की. अब हम एक और एग्जांपल आपके सामने रखेंगे ताकि आपको ये मीडियन कैसे हम निकालते हैं किसमें, कंटिन्यूस सीरीज में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में. हम एक और एग्जांपल के जरिए से आपको समझाते हैं ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए. तो यहां पर हमने एक और एग्जांपल लिए, एक और इलस्ट्रेशन ली है. तो इलस्ट्रेशन में हमने लिया है एक्स, तो दैट मीन्स वेरिएबल जो है वो हमने ग्रुप्स में रख दिया है कंटिन्यूस सीरीज में. तो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 to 30, 30 to 40, and it is 40 to 50. And there are frequencies, corresponding frequencies iski saath hoti hai. To wo hai 14, 60, 36, 44 and 16. तो जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बोला कि ये क्वेश्चन में दे के होता है, तो यहां तक आपको पता होगा और ये दे के होगा. आपको क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वी हैव टू कन्वर्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए 14 तो पहले आएगा, इसके बाद 14 प्लस 60, that is 74, 74 plus 36, that is 110, and 110 plus 44, that's 154, 154 plus 16, that's 170. तो 170 हमारा जो बनता है, ये बनता है total number of cumulative frequency, या simply आप कह सकते हो n हमारा जो बनता है, that is 170. तो इसके बाद हम कौन सा usual method use करते हैं, मैंने आपको already बोला, first we have to identify the median class or median group. हम कैसे निकालते हैं, median हमने बोला पहले group निकालने के लिए या median class निकालने के लिए हम करते हैं n divided by 2 third item. n हमें पता है that is 170 divided by 2, that is the ये जो निकलता है वो है 85th item. 85th item हमें किस में ढूंढना है, cumulative frequency में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है. क्या ये इसमें होगा, 14 में होगा, नहीं, 74 में भी नहीं होगा. It will be included in this very this cumulative frequency. इसी के corresponding में हमें देखना है कि कौन सा हमें class मिलता है. तो हमें इसमें जो यानी कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि 85 जो है या 85th item lies or falls in the 110th this cumulative frequency which have 20 to 30 as a median class. इसका जो median class जो है वो 20 to 30 है. तो accordingly यहाँ पर 20 to 30 हमारा जो group बना, तो ये याद रखिएगा dear, यहाँ से हमने ये जो identify कर दिया median class. तो median class 1 से आपको identify हो गया. आपको बहुत सारी चीजें आपको आसानी के साथ निकलेगी जो हमें किस में जरूरत लगती है, which we are in required for the formula. तो formula में पहले क्या जरूरत है हमें, L1, L1 हमने already बोला, L1 is equal to the lower limit of the median class. If our median class is 20 to 30, that means our L1 will be the 20. और इसके बाद हमने बोला n divided by 2, तो n divided by 2 already हमने find out किया, it's 170 divided by 2, that is n divided by 2 जो है ये निकलेगा 85. तो accordingly CF cumulative frequency of previous class. यहां पर important चीज यही जो याद रखना है, बाकी बहुत ही आसान यहां पे आपको दिखेगा. CF का मतलब होता है, CF of P का मतलब होता है कि cumulative frequency of the previous class, जो previous class है उसकी. हमारा class कौन सा निकला था, 110 के corresponding में, लेकिन इसके ऊपर वाली frequency या previous वाली frequency जो है, that is CF of P जो है, that is 74. तो 74 जब हमें निकला ये ऊपर वाली frequency, इसके बाद हम निकाल सकते हैं F. F हमने बोला अपने जो median class की जो frequency होगी, हमारा median class कौन सा निकला था, 20 to 30. 20 to 30 के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 36.
तो हमें ये वैल्यूज मिलते हैं एंड आई हमें पता है आई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास और क्लास लेंथ, तो याद रखिएगा आई इज इक्वल, तो ये जो है क्लास लेंथ कितनी है, दैट्स 10। तो उसके बाद हमने क्या किसको यूज करना है, फॉर्मूला को यूज करना है जो कि हमने यहाँ पर लिख के रख दी है, 20 + 85 - 74 / 36 × 10। 20 + 85 - 74 हो गए 11 / 36 × 10। 20 + 11 / 36 हो गया 0.30 × 10, तो वो हमें निकलेगा 3.01। और यहां से +20, दैट मीन इट विल बी द अप्रोक्सीमेटली 23.03। तो यहां पर हमें मीडियन निकलता है। इससे भी पहले हमने बोला कि 23, याद रखिएगा 23.01 जो हमें आंसर निकला, M जो हमें 23.01 निकला, वो किस ग्रुप में आता है, वो डेफिनेटली होगा इन बिटवीन 20 to 30। दैट्स वे हमने बोला कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द क्लास, देन आफ्टर वी हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इसके लिए इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है, अकॉर्डिंगली हम बाद में क्या निकालते हैं, मीडियन। डियर स्टूडेंट, होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेरी, अगर क्वेश्चन होगा, आप कमेंट सेशन में जा सकते हैं, वहां पर हमें कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू डियर।